जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वांड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग वे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 26। तो देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का आप सबके लिए। एंड मैं शाउट आउट देना चाहूंगी स्वास्तिक फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर को, वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर इन इंडिया। आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, द नंबर इज मेंशनड ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक रेड बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करें और फिर आएगा बेल का ऑप्शन, उस पर ऑल पे जरूर क्लिक करना, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग और जानेंगे क्या मैसेज है आप सबके लिए यूनिवर्स का। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक ये ब्राउन स्टोन है और एक ये है ब्लू स्टोन। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलराइट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्राउन स्टोन से, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ब्राउन स्टोन, देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का वॉल्यूम 26 में आपके लिए। ऑलराइट, श्रीनाथ, प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्राउन स्टोन। प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर देम, ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्राउन स्टोन। ओके, तो यहां पे ऐसा लगता है कि पहले तो आपको कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको अपनी बातों पे बहुत सोच समझ के बातें बोलनी है। आपके जो विचार हैं आपको उन्हें बहुत फिल्टर करके रखना है, और जो भी आप सोच रहे हैं यहाँ चांसेस है कि आप तुरंत वो चीज बोल देंगे सामने वाले इंसान को। तो यहाँ पे इस चीज से आपको अलर्ट रहना है। यूनिवर्स ये आपको बता रहा है कि आपके मन में या दिमाग में कोई बात है उसको एकदम से आपको नहीं बोल देना है, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कोई बात अपने किसी फ्रेंड को ना बताएं, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं हो सकता है वो आपका ट्रस्ट यहाँ पे तोड़ सकता है। और यहाँ पे आता है फैमिली का कार्ड, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी जो रूट्स हैं वो मजबूत होंगी। कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देगा। लेकिन ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है जो आपकी कोई बात दूसरे को बता सकते हैं, या फिर आपको खुद भी अपने विचारों को अपनी बातों को बहुत सोच समझ कर ही बोलना है, पहले तोलना है और फिर बोलना है। जो एक प्रॉब्लम है वो आपको फॉलो करना है, सोच समझ के बातें बोलनी है। आपका बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका काम है, या फैमिली में स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली में स्टेबिलिटी डेफिनेटली है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अगर आप खुद की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रॉपर्टी ले पाएंगे। अगर आप फ्लैट देख रहे हैं या अपना खुद का घर देख रहे हैं तो यहाँ आप वो ले पाएंगे। आपको पूरी हेल्प करेगा यूनिवर्स, और यही बात यूनिवर्स आपको बता रहा है कि मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो मैं उसमें हेल्प करूंगा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी फैमिली में तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स बस एक चीज से आपको अलर्ट कर रहा है कि सोच समझ कर ही डिसीजन लें, सोच समझ कर ही अपनी बातें लोगों को बताएं। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेट्स गेट मोर क्लैरिफिकेशन। यूनिवर्स प्लीज गिव मी मोर मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्राउन स्टोन। वन फाइनल कार्ड प्लीज। ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप इस कार्ड को देखें तो, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहां आपको स्टेबिलिटी मिलेगी डेफिनेटली। और ये आप यहाँ पे एक चीज और है कि आप एक डिसीजन लेंगे। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी है यहाँ पर, आपके बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। हो सकता है कहीं और आप जॉब करें। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आप सडन डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके काम के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे आप देखें तो विक्ट्री आपकी होगी। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल, जैसे यहाँ पे एक सांप है जिसके ऊपर ये पर्सन पैर रख के खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स आएंगे रास्ते में, लेकिन आप उस पर जीतेंगे, आपकी ही जीत होगी यहाँ पर। और यहाँ मैंने बस एक चीज आपको जो बोली है, इसका ध्यान रखना है, किसी ऐसे मित्र को अपनी बात नहीं बतानी जो आपकी बात को आगे किसी को बता सकता है या आपके लिए नुकसान कर सकता है। और अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है जो यहाँ जो आपके यहाँ काम करता है, आपको अपनी बातें उस तक भी नहीं जाने देनी, उनको भी हाइड करना है, तो ये चीज का ध्यान रखिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो आप लेना चाहते हैं, जो बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप है जो आप चाहते हैं कि आपकी हो, जो भी चीज आपकी लाइफ में है, जो आपकी एम्बिशन है, वो आपको यहाँ मिलेगी। आप देखिए आप बहुत पावरफुल है। और एक चीज और यहाँ पर है कि
कि आपको यहाँ अगर आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी आपके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे कृपा है, क्योंकि आप देखें ये जो पर्सन है यहाँ खड़ा है, इस रेड कलर का एक चुन्नी इसने पहनी हुई है, एक स्टॉल जैसा है, और ये जो भी ड्रेस है इनका, ये पावर है इनकी और ये शक्ति इन्हें मिलती है यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो लेडी, दूसरी लेडी है, ये इनको गाइड कर रही है। अब ये जो लेडी है ये आपके जो भी इष्ट जिनको आप मानते हैं वो है, माता को आप मानते हैं वो है, कोई ना कोई देवी देवता, कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको यहाँ मिल रही है। तो जो भी पर्सन है ये लगातार आपको यहाँ गाइड कर रहा है, और आपको ये जो पावर देख रहे हैं आप, ये पावर आपको यहाँ से आ रही है। तो जो ये लेडी है माता हो सकती है जिनकी आप पूजा करते हैं, और जो भी देवी देवता है जिनको आप मानते हैं ये उन्हीं की पावर है जो आपको यहाँ स्ट्रांग बना रही है, और वो आपकी मदद यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपके लिए सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जो आप चाहते हैं डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने में देर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप डिसीजन को ज्यादा देर करेंगे लेने में तो वो डिसीजन आपके लिए, मतलब आपके लिए वो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो कभी भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, अगर आपको कोई बिजनेस है तो तुरंत डिसीजन लीजिए, तभी आप उस समस्या को समाप्त कर पाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, और बस यही है आपके लिए जो एडवाइस आपको दी है उस पर ध्यान दीजिएगा, और जिस भी देवी देवता को मानते हैं वो आपकी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे पूरी मदद कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और आप यहाँ पे अपना डिसीजन लीजिए, दैट्स इट। आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए जिन्होंने ये ब्राउन स्टोन सिलेक्ट किया था। अब चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये ब्लू स्टोन उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्राउन सॉरी द ब्लू स्टोन। मास्टर मास्टर प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्लू स्टोन। व्हाट इज द मैसेज फॉर देम, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम, प्लीज गिव मी द मैसेज फॉर ऑल दोस हु सिलेक्टेड द ब्लू स्टोन। All right, let's see what is the message. Overall energy. Oh my God. Okay, so we got two cards. अपने आप आए हैं तो इन्हीं ले लेते हैं. Okay, three. We got three cards. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है और हेल्थ कंडीशन भी यहाँ पे खराब होती जा रही है। यूनिवर्स का यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो वहां पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो काफी क्वारल्स है, फाइट्स है, और आप किसी को लेकर बहुत कंसर्न है, लेकिन वहां पे वो पर्सन आपकी बात नहीं मान रहा है और आपसे ही फाइट कर रहा है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिसको लेकर के आप बहुत परेशान है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी बात नहीं मान रहा है और यहाँ पे आपकी ही लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी को लेकर आप बहुत कंसर्न है, लेकिन वहां से क्या मिल रहा है आपको, सैडनेस, सोरो। वो पर्सन आपको नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं, तो ये आपको चीज परेशान कर रही है। यहाँ पे यहाँ कोई एक और पर्सन है जो उस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, जो भी वो पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी आप बहुत केयर करते हैं, जहां से आपको सिर्फ सौरव मिल रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, उस पर्सन को कोई और है जो गाइड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यही कारण है कि वो पर्सन आपकी बात नहीं मान रहा है। और यहाँ पर अगर आप सच में चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी बात माने तो आपको यहाँ पर कुछ एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा तभी वो पर्सन आपकी बात मानेगा, क्योंकि जो भी वो पर्सन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पर्सन इस समय किसी और की बात यहाँ पे मान रहा है, आपकी बात वो नहीं मानेगा क्योंकि वो इस पर्सन से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, और यही कारण है कि आप जब भी उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ बताने की, तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसी बातें जानते हैं शायद जो आपका फ्रेंड या आप जो भी है रिलेटिव वो नहीं जानते, और यहाँ पर आपको कामयाबी कब मिलेगी जब आप कोई डिसीजन लोगे। आपको कोई डिसीजन लेना होगा अगर आप वाकई में अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी अपने को बचाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि वो एक सिचुएशन में फंस गया है, तो यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन बहुत बोल्ड होगा, तभी आपको कामयाबी होगी। और यहाँ पे उस डिसीजन में कामयाबी आपकी निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे किंग आए हैं, दो किंग आए हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और एक किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये दोनों ही कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और अपने फ्रेंड की मदद करते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया है जो बहुत ही चालाक है, ग्रीडी है, मनी माइंडेड है, तो इस पर्सन से आपको बचना होगा, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स है और साथ में ये फाइट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको पीस चाहिए, आप देखिए एक वाइट बर्ड है जो ऊपर उड़ रही है लेकिन नीचे लोग फाइट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं,
क्योंकि जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, इसने सिचुएशन को पूरा आपके अगेंस्ट कर दिया है, तो अगर आपको इस सिचुएशन से बचना है तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा, तभी आपकी जीत होगी। और वो डिसीजन थोड़ा बोल्ड डिसीजन हो सकता है कि आपको पुलिस तक जाना पड़े, आपको कोर्ट केस करना पड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ऐसा डिसीजन लेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी। जो भी वो पर्सन है जो आपकी किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपका रिश्ता खराब कर रहा है, उस पर्सन के खिलाफ आपको कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेना होगा। और ये एक्शन ऐसा होगा कि काफी लोग सरप्राइज हो जाएंगे, तो ये चीज आपको करनी होगी, तभी आप यहाँ पे देखिए जीत आपकी होगी। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स है, तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आपकी यहाँ जीत भी होगी। तो आप डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे आपका कोई अपना आपकी बात नहीं मान रहा है, किसी और की बात को मान रहा है, उसी को कंसिडर कर रहा है। उसके अलावा अगर कोई अपने की बात ना भी करें, अगर आपकी एज एन इंडिविजुअल बात करें, तो या तो आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली है जो आपको यहाँ लगातार कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा गलत कर रहा है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, यहाँ पे लगातार आप पे अटैक हो रहे हैं और आप इन सब पे जीत हासिल करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गेट विक्ट्री ऑन ऑल दिस सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन विद यू। आपके साथ जो सिचुएशन आपके ऑफिस में हो रही है, इस पे आप जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जीत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ये पर्सन है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पावरफुल पर्सन है। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको कुछ ना कुछ लीगल एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, कोर्ट केस, पुलिस के पास जाके कुछ ना कुछ ऐसा। ये सिचुएशन काफी खतरनाक है यहाँ पे। खतरनाक से मेरा मतलब है सिचुएशन काफी परेशानी वाली है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हो तो आपको एक तरीके से एचआर में जाके बात करनी होगी, कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा, तभी आपको यहाँ पे जीत हासिल होगी। ये विक्ट्री के कार्ड जो आया है, जो आप चाहते हैं, तभी आप यहाँ पे किंग बनेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल, अगर सिचुएशन है जहाँ पे आपके फाइनेंसेस किसी के पास फंसे हुए हैं, तो वहां पे तभी आपकी जीत होगी जब आप कोई लीगल एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, वेदर इट्स लीगल एक्शन और यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द सिचुएशन। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जीत हासिल करनी है इस पर्सन पे, विक्ट्री हासिल करनी है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। तो क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर आपको एक लीगल एक्शन लेना होगा या फिर फॉर्मेट के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। कंपनी में अगर आप हैं तो एचआर को इन्फॉर्म करना होगा, प्रॉपर मेल लिखना होगा, सब कुछ। तो यहाँ पे तभी आपको यहाँ कामयाबी मिलेगी, सक्सेस का कार्ड है और फिर आप यहाँ पे किंग हैं। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि बोल्ड बनिए, डिसीजन लीजिए और जो भी आपको परेशान कर रहा है आप एक एक्शन लीजिए, पीछे मत हटिए। क्योंकि एक्शन लेंगे तभी जीत आपकी होगी, क्योंकि जो भी वो पर्सन है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और जब तक आप कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं तब तक आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। तो अगर आप इस सिचुएशन को पसंद कर रहे हैं, कोई आपको लगातार डिफेम कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, इफ यू आर ओके विद इट देन इट्स फाइन, बट इफ यू आर नॉट ओके विद इट, तो उस केस में आपको एक्शन लेना होगा, आपको कुछ स्टेप उठाने होंगे। और वो जब स्टेप उठाएंगे तो यहाँ देखिए सन कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आप फिर शाइन करेंगे, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आएगी। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो एस ऑफ वॉन्ड्स, नंबर वन कार्ड है देखिए, तो आपकी विक्ट्री होगी। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज आपके लिए। ऑल राइट, सो आई होप यू लाइक द रीडिंग। एंड अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है 9899000366। और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत।